मैं आज आपके साथ आ, मैंने कल एक परसों प्ले देखा है डंक जो नया शुरू हुआ है um, मुझे आ, ये प्ले आई वाज रियली लाइक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा सो आई आई टॉक इट आउट विद यू आप मुझे प्लीज अपने अपने दीजिएगा कमेंट्स कैसा लगा कास्ट है इसकी सना जावेद बिलाल अब्बास खान नुमान एजाज इज, और आ, 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 आज, अजीक जानयाल अच्छा मुझे इसमें जो चीज़ जैसे उन्होंने शुरू किया है बताया है कि नुमा एजाज जो है वो प्रोफेसर है और शुरू ही उन्होंने ऐसे किया कि सना खान जो है उन्होंने उसके ऊपर लगा दिया अमल जो बनी हुई है कि उन्होंने उसके ऊपर यू नो मीटू वाला लगा दिया और इल्ज़ाम लगा दिया और अब जो बिलाल अब अब्बास है वो उसका साथ दे रहा है अच्छा मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ये है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा गुडी टू शूज़ होता है ना वो उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई बहुत गहरा काला किस्म का बैकग्राउंड होता है मुझे जो समझ आ रही है इस प्ले में जो पहले देखते हो मुझे कुड भी रॉन्ग लेकिन मुझे जो समझ आ रही है और जो मैंने इसके रिव्यूज़ और सब कुछ देखा है तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये जो प्रोफेसर है इसने कसूर नहीं किया है ये बेचारा फसाया गया है फसाया क्यों गया है इसकी दो तीन वजह हो सकती है या तो ये हो सकता है कि सना आ, सना खान जो है वो उसका आ, सना खान है ना सना जावेद आई एम सॉरी मैं गलत नाम ले रही ने सना जावेद वो आ, अमल जो बनी है या तो उसको ये प्रोफेसर पसंद होगा और उसने इसको लिफ्टिंग कराई होगी तो उसने उसके फिर इल्ज़ाम लगा दिया दैट इज़ वन सनारियो दूसरा सनारियो ये हो सकता है कि जो ये बिलाल अब्बास ख़ान है इसका प्रोफेसर के साथ कोई फटा हुआ जैसे अक्सर होता है कि किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया या कोई सही पढ़ा नहीं क्योंकि लग रहा है कि किस्म का लड़का है तो हो सकता है इसका कोई पंगा हुआ और कोई किसी सब्जेक्ट में फेल हुआ और प्रोफेसर ने इसको नहीं पास किया जैसे आजकल के यंग लड़के जो हैं अमीर लोग जो हैं वो कहते हैं जी दे दिला के आप मुझे पास कर दे ऐसा नहीं किया होगा तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर इसको जो है वो प्रोफेसर को फंसाने की कोशिश की है इसका आगे का जो मैं जो मुझे समझ आ रहा है जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो दो सिनेरियो हो सकते हैं एक सिनेरियो ये हो सकता है कि ये जैसे वो एक फिल्म थी माइकल डैगलिस की और कैथरीन सीटा जोन्स की मुझे उसका नाम नहीं आ रहा उसमें भी ऐसा था कि उस पर इल्ज़ाम लगता है देन ही गोज़ ऑन टू तो प्रूव हिमसेल्फ कि वो प्रूव करता है जैसे इसने उसमें कहा है कि मैं लड़ूंगा हो सकता है कि ये लड़े और ये सारा जो गंद मचे और उसके बाद ये निकले उस गंद से आ, सही होके निकले दूसरा जो मैंने एक दो जगह पे इसके जो देखे हैं प्रोमोज उसमें ऐसे लग रहा है जैसे नुमान एजाज शायद अपने आप को मार लेगा और कोई ख़त छोड़ जाएगा और वो खत फिर उस वो वहाँ से स्टोरी आगे चलेगी और वहाँ से जो है ये सब पकड़ा जाएगा एक तो आ, सीन्स इसमें मैंने देखे जहाँ जहाँ पे अब आई डोंट वांट टू बी अ स्पॉइलर लेकिन मुझे लग रहा है ऐसे हो सकता है कि ये जो बिलाल अब्बास ख़ान है इसके ऊपर जो है वो शक आ, आ जाए कुछ आ जाए या भाग जाए और वो जो लड़की है वो दिखाया हुआ है कि शादी हो रही है इन दोनों की और फिर उस लड़की को उसके बड़े भाई के साथ दिखाया हुआ तो हो सकता है कि शादी पे भाग जाए उस लड़की को छोड़ के और वो डिसाट नो के या उसके माँ बाप यू नो परेशान होके उसकी शादी बड़े भाई से करते हैं और बाद में जब वो आए तो वो वो दोनों मियाँ बीवी के बीच में तफरका डालने की कोशिश करें और फिर वहाँ से बात निकले कि इसने पहले क्या किया था सो so, um, ये सब सिनेरियोस हो सकते हैं बट एज इज बहुत इंटरेस्टिंग पे है साथ देखेंगे मैं आपको साथ साथ इसकी रिव्यूज देती जाऊंगी जैसे जैसे स्टोरी खुलती जाती है वैसे वैसे मैं आपके पास आके इसके लिए इसके रिव्यूज देती जाऊंगी आपके पास अगर कोई आइडिया हो तो मुझे जरूर बताइएगा चिल चम पदेसी मैटिरो